और दोस्तों अभी हम साड़ी पहन लिए हैं, जैसा भी आया हमको पसंद नहीं आता पहनने के लिए। रीना अब चलेगी ससुराल। हाँ। रात हो गया पूरा, खुश रहो, अच्छे से जाइएगा, है ना, जाके कॉल कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों अभी 8 बज रहा है सुबह का, और ये देखिए सुबह सुबह अभी पापा मार्केट गए थे और लाए हैं खजूर, ये है देसी खजूर, देखिए पूरा गुटली दाना जो भी बोले, ये देखिए इधर भी कर दिए पूरा। कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा, मीठा है। चलिए टेस्ट करते हैं हम भी। कई रुपये मिला किए जी? बहुत दाम मिलेगा, चलिए उठाते हैं। अविनाश खाएगा? खाओ, मस्त है लेकिन टेस्ट मीठा लग रहा है। हम लोग का खजूर का पेड़ नहीं है, फिर तो खाते हैं हम लोग। लगा दीजिए, इतना पोल्ट्री लगाने जैसे कि जहाँ पे मान मस्त लेकिन मीठा है। दोस्तों खा रहे हैं ना, मन ही नहीं भर रहा है, लग रहा है खाते रहे खाते रहे, इतना ज्यादा मीठा लग रहा है ना। और दीजिए तो ना, काफी मस्त पका हुआ है, रसीला, मजा आ रहा है खाने। और दोस्तों अभी देखिए बड़ी माल आ रही है मुनगा साग, तो आज बनेगा मुनगा साग का सब्जी, है ना, बहुत दिनों के बाद। लेकिन ये खाना चाहिए, ये साग में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और रीना अभी इधर भात बसा रही है। चलिए इधर साग बनाते हैं हम लोग, इसको फिर काटना होगा। हाँ, दाल के साथ बहुत मजा आता है खाने में ये साग। भुंजर और मस्त लगता है, प्याज देके भुंजेगा ना और भी टेस्ट लगता है खाने में। बहुत सारा यहाँ पर है साग, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं मुनगा साग, आप लोग कौन साग बोलते हैं कमेंट करिए, हम लोग तो मुनगा साग बोलते हैं उसको। तो अभी दोस्तों देखिए खाना बन गया है, भात और मुनगा साग का भुंजिया, काफ़ी अच्छा बनाए हैं माँ और रीना मिल गए। रीना भी बात कर रही है अपना सहेली से, और इधर पापा का भी खाना लग गया है, ये देखिए ये दोनों जन मिलके खाएंगे। खा लिया आप? अच्छा किया, चलिए अब हम लोग खाते हैं, मस्त बनाया आज खाना साग भात। और दोस्तों अभी दोपहर हो चुका है और अभी वीडियो हम बना दे रहे हैं क्योंकि भैया गए हुए थे नहाने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे माँ अभी रोटी पकाने के लिए यहाँ पे दे दी है चुनी को, घोटर रहे हैं थपुआ रोटी ना, वायरसा रोटी। हाँ, पक्कीना बनाएंगे। हाँ, पक्कीना रोटी बोला जाता है, अभी यही वाला बनाएंगे। और दोस्तों आज हम घर जाने वाले हैं इसलिए माँ रोटी बना दे रहे हैं, तो चलिए अभी वीडियो में बने रहिए, दिखाएंगे अभी कैसा रोटी बनाते हैं हम लोग से। और अभी पूरा मिला रहे हैं, गीला तो नहीं हुआ, जुड़ा के अच्छा ठीक हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद सेम में आ जाएगा। जा दादी अभी जा रही है तालाब नहाने के लिए, घूंघी लाएंगे बोल रहे हैं, घूंघी लाने जा रहे हैं। और अभी रिफाइन गरम हो रहा है, ये देखिए अभी नहीं हुआ है गरम, और ये वाला भी पूरा अच्छी तरह से मिल गया है। चलिए अभी रिफाइन गरम होगा और डालेंगे, और माँ अभी बनाने जा रहे हैं, चलिए बनाइए, ऐसे ही बनाया जाता है, नहीं हुआ है गरम, देखिए गरम होता है तभी तुरंत उठ जाता है, थोड़ा लेट होगा उठने में। अभी से उठा रहे तब वो वाला गरम उठ जाता तुरंत, देखिए अभी तक से नहीं उठा, और डाल दीजिए, क्यों दीजिए इसको उठने दीजिए, उसके बाद में कब उठेगा ये। और ये देखिए धीरे धीरे उठने लगा, देखिए उठ गया, अब फिर से डालेंगे। एक ऊपर हो गया और एक नीचे, फिर भी अभी अच्छा से गर्म नहीं हुआ है, पूरा होगा ना तो देते के साथ तुरंत उठ जाता है, ये देखिए। और तीनों रोटी मस्त उठ गया है, देखिए अब पलाटेंगे, अभी बोला सट गया, हाँ बाद में हो जाएगा, ये देखिए पूरा मस्त लेकिन पक रहा है, और आग भी अच्छा जल रहा है,
रोटी बन गया, इसलिए अब उठाएंगे। और अब फिर से बना के और डालेंगे। ये देखिए थोड़ा जल्दी उठने लगा, देख सकते हैं। अभी तो अभी भी पूरा गर्म नहीं हुआ, पूरा गर्म होगा तुरंत उठ जाएगा। चलिए इसी तरह करके पकाना है सभी। देखिए उठने लगा मस्त। और रोटी सब देखिए काफ़ी मस्त पूरा फूल गया है, पूरा अच्छा लग रहा है। ये देखिए पूरा मस्त फूला हुआ है। तो दोस्तों अभी हम नहा के आ चुके हैं घर। रोटी पका लोगी है? तुम नहीं पकाई? अच्छा, इधर पापा बैठे हैं, हवा ले रहे पंखा का। माँ चूल्हा के पास बैठे हैं ना, बाहर बहुत तेज धूप है तो पंखा इधर मुंह कर दिए है। हवा लग रहा है ना बढ़िया, धुआं घूरता होगा ना। अच्छा रोटी दीजिए तो खा के देखें कैसा लगता है, टेस्ट कर दे रहे। देखिए इतना सारा पका हुआ है, इतने खत्म चुनी रखा है कि रोटी रखा हुआ है? चलिए इधर वाला खाते, इधर ठंडा होगा थोड़ा। अरे वाह, यहाँ तो मस्त मस्त रोटी है। चलिए ट्राई करते हैं, काफ़ी एकदम मस्त लेकिन बना है, क्रिस्पी क्रिस्पी खाना है का। हल्दी हल्दी के भी पकेगा तब तो मज़ा आएगा। मस्त है, चीनी भी ठीक है, लेकिन थोड़ा गर्म ही रहता, अच्छा गर्मी में गर्म अच्छा नहीं लगता। तो अभी दोस्तों शाम होने वाला है और सारा सामान पक चुका है, रोटी वगैरह, और पैक भी कर लिए रीना। यहाँ पर रोटी है और यहाँ पर है बोधी, बोधी तोड़ के ला दिए थे तो ये सब लेते जाएंगे। और अभी हम भी आ गए हैं। हाँ, और ये थोड़ा कुछ काम था तो घर चले गए थे, तभी आ गए हैं रीना को ले जाने के लिए। तो रीना भी रेडी होगी, सारा सामान पैक हो चुका है, अब ये चला है ना। हाँ, सुबह जाते अभी शाम हो गया। हाँ दूर तो नहीं है, देखिए शाम होएगा कुछ देर में। खाना खाना है, धूप तो होता है। हाँ चलिए रेडी, अब रीना रेडी होगी, साड़ी पहन लेगी ना। चलिए पहनो। और अभी माँ खाना लगा दिए हैं, ये देखिए चिकन भात बनाए थे हम लोग, अभी खाएंगे। और रीना अभी खा लेगी कि तैयार होने जाएगी? तैयार होके खाएगी कर ना। हाँ जैसा करेंगे, पहले खा लो ना। खा लेंगे उसको, तैयार होंगे सीधे। हम तो खा लिए थे पहले ही, खाइए आप लोग। पहले खाए ना। कैसा है? बढ़िया है। अच्छा खा के देखिए, आज थोड़ा गड़बड़ हो गया, ज्यादा देर से पूछने दिए। ठीक लग रहा है ना तब? ठीक लग रहा है। अच्छा चलिए बढ़िया है, हम सोचे खराब लगेगा का नहीं है। और दोस्तों अभी हम आ गए हैं, खाना वाना खा लिए, तैयार हो गए। और ये देखिए माँ अभी हमको साड़ी निकाल ली है, देख सकते हैं, जो कि मार्केट का साड़ी है और काफ़ी मस्त है। हाँ ये देखिए दो रंग में है लेकिन साड़ी अच्छा है। देखिए ये ऊपर करना है, हाँ ये सब ऊपर करना है, ये नीचे करना है। और हम साड़ी का इतना असली रखते हैं कि कैसा साड़ी है जो भी है हमको सब पसंद आ जाता है, बस हमको पहनने से मतलब है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, छूने में मस्त लग रहा साड़ी। ये साड़ी का कोई नहीं दूसरेगा? हाँ कोई नहीं दूसरेगा, नहीं बहुत कोई दूसरेगा, नहीं दूसरेगा ये साड़ी, ये साड़ी दिखाता ना। चलिए अभी जरा पहनते हैं। और दोस्तों अभी हम साड़ी पहन लिए हैं, जैसा भी आया हमको पसंद नहीं आता पहनने के लिए, ये देखिए मतलब पिनअप करना हमको नहीं आता अच्छी तरह से, तो जैसा भी आया हम कर लिए हैं। और ब्लाउज दूसरा ब्लाउज पहने हुए हैं, जो पीला साड़ी था उसका ब्लाउज, क्योंकि इसका नहीं है, न्यू साड़ी है ये वाला। और आप लोग बताइए साड़ी कैसा लग रहा है, अभी तो हमको रेडी भी नहीं हुए, बाल कुछ नहीं झाड़े हुए, तो इसलिए बाल झा रहे हैं। और दोस्तों बाहर तरफ पूरा अंधेरा हो गया है और अभी बहुत ज़्यादा टाइम होने चला है, तो चलिए जल्दी जाइए घर, नहीं तो घर जाते जाते पूरा अंधेरा हो जाएगा, इसलिए जल्दी रेडी होते हैं। तो दोस्तों अभी रेडी हो गई है रीना, खाना भी हो गया है इनका। हाँ, खाना खा लिए। चलिए अभी हम लोग चलेंगे घर, सारा सामान पैक कर लेना। हाँ, पैक कर लिया सारा सामान। चलिए
रीना अब चलेगी ससुराल। हाँ। रात हो गया पूरा, खुश रहो, अच्छे से जाइएगा, है ना? जाके कॉल कर दीजिएगा, घुमाइए। किधर जाएगा? उधर से? किधर से? किधर जाना है? इधर ही से निकली है ना, इधर ससुराल। तो दोस्तों रीना चली गई ससुराल, पूरा अंधेरा हो गया, तो रात रात में ही जाएंगे ठंडा ठंडा अच्छे से। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल बनाएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, बाय बाय।